हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का वीडियो नंबर 6। तो बेटे, ये बीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर का केमिस्ट्री का 6ठा वीडियो है, और इससे पहले 5 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के पूरे सिलेबस को पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा, और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो, KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डाइपोल मोमेंट और परसेंटेज आयनिक करेक्टर के ऊपर कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमें आज करना है डाइपोल मोमेंट एंड आयनिक करेक्टर पर क्वेश्चंस, जो 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, छोटे छोटे न्यूमेरिकल, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन, H2O मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट अधिक है क्यों? भाई, H2O का डाइपोल मोमेंट अधिक क्यों है? कल भी डिस्कस करा था। H2O का डाइपोल मोमेंट अधिक इसलिए होता है क्योंकि H2O का 2 रीजन है इसके। देखो, सीखते हैं। H2O के डाइपोल मोमेंट के अधिक होने के 2 कारण हैं। पहला रीजन क्या है? पहला है एंगुलर स्ट्रक्चर। H2O का स्ट्रक्चर एंगुलर होता है। यदि H2O के स्ट्रक्चर को आप देखोगे तो यहां तो ऑक्सीजन है, इधर और इधर एक एक हाइड्रोजन एटम जुड़ा है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर तो एंगुलर है, कोणीय संरचना है। इसके बीच का एंगल आपको पता ही होगा, 104.5 डिग्री का होता है। जो भी कोई मॉलिक्यूल या कंपाउंड एंगुलर स्ट्रक्चर जिसका भी होता है, उसका डाइपोल मोमेंट तो ज्यादा होगा ही, पक्की बात है, क्योंकि एंगुलर स्ट्रक्चर होता है एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, असममित संरचना। दूसरा है एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, बिल्कुल वही बात आ गई भाई। एंगुलर स्ट्रक्चर और एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, ये दोनों वास्तविकता में एक दूसरे के क्या हैं? एक दूसरे के पूरक ही हैं। हमने लिख दिया एंगुलर स्ट्रक्चर एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, क्योंकि कुछ एंगुलर स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल भी होते हैं, पर ज्यादातर एंगुलर स्ट्रक्चर एसिमेट्रिकली होते हैं। एसिमेट्रिकल होने से क्या नुकसान है, मैं बताता हूं। देखो, हालांकि कल हमने पढ़ा था इस चीज को कि एसिमेट्रिकल होने से क्या नुकसान है। एसिमेट्रिकल होने से यह नुकसान है कि आपको पता है, इस वाले बॉन्ड को देखो आप, इस बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट इधर को होगा ऑक्सीजन की तरफ, और इसका डाइपोल मोमेंट भी ऑक्सीजन की तरफ को होगा। तो टोटल बात यह निकलेगी कि ऑक्सीजन एटम के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और हाइड्रोजन के पॉजिटिव, और इस हाइड्रोजन पे भी पॉजिटिव है, जिसकी वजह से ऊपर का सिरा ये पूरा ये तो नेगेटिव पोल बन जाएगा, और नीचे का सिरा ये वाला पूरा ये पॉजिटिव पोल बन जाएगा, और ये बन जाएगा H2O एक डाइपोल। क्या बन जाएगा? एक डाइपोल। ठीक है, समझ में आई ना बात? तो इसके 2 रीजन हैं, H2O के डाइपोल मोमेंट के अधिक होने के 2 कारण हैं, एंगुलर स्ट्रक्चर और एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। अब देखो, एक बात बताता हूं आपको, H2O में प्रत्येक OS बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट 1.60 dy है, और बॉन्ड एंगल है 104.5 डिग्री। परिणामी यानी रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट होता है 1.84 dy, जिसे निम्न सूत्र से ज्ञात किया जाता है। सूत्र वही है वेक्टर एडिशन वाला, म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू वन स्क्वायर प्लस म्यू टू स्क्वायर प्लस 2 म्यू 1 म्यू 2 कॉस थीटा। तो यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना कि H2O का डाइपोल मोमेंट अधिक क्यों है, तो आपको ये बातें लिख के आनी है सारी, यहां से लेके यहां तक की ये सारी बातें लिख के आनी है। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दूसरा क्वेश्चन है HCl का डाइपोल मोमेंट 1.03 डिबाई तथा बॉन्ड लेंथ 1.275 एंगस्ट्रॉम है, तो HCl का परसेंटेज आयनिक करेक्टर ज्ञात कीजिए।
हमें बताना है HCl का परसेंटेज आयनिक करेक्टर कितना होगा। ये सवाल एग्जाम में जरूर आएगा, इस बात को लिख लो बिल्कुल एकदम कि ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा, ठीक है। और कैसे इसे सॉल्व करना है उसे भी सीख लो। देखो कैसे सॉल्व करना है, मतलब इन्होंने एक तो दिया है डाइपोल मोमेंट इतना है, एक दिया है इन्होंने बॉन्ड लेंथ इतने एंगस्ट्रॉम है, और पूछा है परसेंटेज आयनिक करेक्टर। तो आपको क्या करना है, यदि पूर्ण आयनिक करेक्टर होने पर संभावित या एक्सपेक्टेड डाइपोल मोमेंट किस तरह निकलेगा, म्यू एक्सपेक्टेड निकालना है आपको E इंटू डी से। E का मतलब एक इलेक्ट्रॉन का ESU में चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पर ESU में कितना चार्ज होता है 4.8 × 10⁻¹⁰ ESU। ये चीज ध्यान रखना, E का मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज है किसमें, ESU में, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ESU में होता है 4.8 × 10⁻¹⁰ ESU, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टेटिक यूनिट। और D माने डिस्टेंस, डिस्टेंस माने बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ ये दे रखी ऊपर इन्होंने 1.275 एंगस्ट्रॉम। आप 1.275 को 10⁻¹⁸ से जब मल्टीप्लाई करोगे तो एंगस्ट्रॉम सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना भाई, 10⁻¹⁰ और 10⁻¹⁸ गुणा में घात क्या होती है, जुड़ जाती है, ये तो बन गया 10⁻¹⁸। 4.8 और 1.275 की मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा 6.12, और ESU ये लिख दिया और सेंटीमीटर ये लिख दिया। अब मैंने आपको एक बात सिखाई थी याद हो तो, कि ये जो इतना हिस्सा होता है ना 10⁻¹⁸ ESU सेंटीमीटर, इसे आपको क्या लिखना होता है, डिवाई डी से लिख दो इसे बस। तो ये आया हमारा कितना 6.12 डिवाई, ये हमारे पास क्या आया, म्यू एक्सेप्टेड, क्या आया, म्यू एक्सपेक्टेड आया। म्यू एक्सपेक्टेड कितना आया, एक मिनट रुक जाओ जरा, ये हमारे पास म्यू एक्सपेक्टेड आया 6.12 डिवाई। अब आपको क्या करना है, फार्मूला यूज करना है, क्योंकि परसेंटेज आयनिक करेक्टर का फार्मूला होता है म्यू ऑब्जर्व अपॉन म्यू एक्सपेक्टेड इंटू 100। परसेंटेज निकालनी तो 100 से तो मल्टीप्लाई करोगे ही आप, ये फार्मूला ध्यान रखना है सबको। म्यू ऑब्जर्व वो होता है जो हमें दिया गया है क्वेश्चन में, HCl का म्यू 1.03 डिवाई है, तो म्यू ऑब्जर्व की जगह तो 1.03 डिवाई लिख दिया, म्यू एक्सपेक्टेड की जगह हमने वो लिखा जो हमने निकाला 6.12 मल्टीप्लाई 100। तो आप जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो मल्टीप्लाई करके आएगा 0.1683 ये आएगा, पर जब आप 100 से इसे मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल 100 से मल्टीप्लाई करने पर दो अंक आगे चला जाएगा यहाँ, और ये आ जाएगा 16.83%। ये आया हमारा परसेंटेज आयनिक करेक्टर, ये परसेंटेज आयनिक करेक्टर आया 16.83%, इतना आयनिक करेक्टर है HCl। और वैसे सबको पता है HCl कोवेलेंट बॉन्ड है, HCl में हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच क्या बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड, और कोवेलेंट बॉन्ड में क्या आ रहा है, ये आयनिक करेक्टर, ठीक है, समझ में आई बात। दोबारा बता रहा हूं, ऐसा सवाल एग्जाम में जरूर आएगा, देख लेना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा। चलो अगला देखते हैं, चलो क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है ये भी, ध्यान से देखना आप। क्वेश्चन नंबर 3, NaCl का डाइपोल मोमेंट 8.5 डिबाई तथा बॉन्ड लेंथ 2.36 एंगस्ट्रॉम है, तो NaCl का परसेंटेज आयनिक करेक्टर ज्ञात कीजिए। तो पूर्ण आयनिक करेक्टर होने पर एक्सपेक्टेड म्यू, म्यू एक्सपेक्टेड कैसे निकलता है, ए इंटू डी से, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 4.8 × 10⁻¹⁰ ESU, डिस्टेंस यानी बॉन्ड लेंथ दे रखा है 2.36 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना तो 10⁻¹⁸ से इसे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है, 4.8 और 2.36 की मल्टीप्लाई आती है 11.328,
10 रेज टू दी पावर माइनस 10 और 10 रेज टू दी पावर माइनस 8 गुणा में घात जुड़ जाती है 10 रेज टू दी पावर माइनस 18 ESU ज्यों का त्यों लिखा हुआ है, सेंटीमीटर ज्यों का त्यों। अब आपको इस बात का पता है कि इतना हिस्सा, इतना इसे कहते हैं डिवाई, तो हमने 11.328 को तो ज्यों का त्यों लिखा और इतने हिस्से की जगह लिख दिया डिवाई। ये आया म्यू एक्सपेक्टेड, क्या आया म्यू एक्सपेक्टेड। अब आपको पता है कि फार्मूला लगाना है हमें परसेंटेज आयनिक करेक्टर के लिए, ठीक है, यहां हमने फार्मूला लगाया क्योंकि परसेंटेज आयनिक करेक्टर इज इक्वल टू म्यू ऑब्जर्व जो सवाल में दे रखा है अपॉन म्यू एक्सपेक्टेड जो हमने निकाला है मल्टीप्लाई 100। ये आ जाएगा एट म्यू ऑब्जर्व इन्होंने दे रखा है 8.5 और हमारा निकला है 11.328 मल्टीप्लाई 100। जब आप डिवाइड करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी यहां 0.7503। जब 100 से इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 100 में दो जीरो हैं तो डेसिमल दो डिजिट आगे चला जाएगा और ये आंसर आएगा 75.03%। इतने परसेंट इसमें आयनिक करेक्टर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे सब, सेम क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांस बहुत ज्यादा है, ध्यान से समझ लेना। क्वेश्चन है एच एफ बॉन्ड का परसेंटेज आयनिक करेक्टर ज्ञात करो। एच एफ का डाइपोल मोमेंट 1.92 डिवाई है, बॉन्ड लेंथ दे रखी है 0.92 एंगस्ट्रॉम। तो सबसे पहले ये लाइन जरूर लिखनी है, पूर्ण आयनिक करेक्टर होने पर एक्सपेक्टेड डाइपोल मोमेंट म्यू एक्सपेक्टेड इज इक्वल टू ई इंटू डी। ई की वैल्यू फिक्स है 4.8 × 10⁻¹⁰ ESU और D है बॉन्ड लेंथ 0.92 एंगस्ट्रॉम में दे रखा था, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 रेज टू दी पावर माइनस 8 से मल्टीप्लाई कर दी। 4.8 और 0.92 की मल्टीप्लाई आई 4.416, 10 रेज टू दी पावर माइनस 10 और 10 रेज टू दी पावर माइनस 8 गुणा में घात जुड़ जाती है होगी 10 रेज टू दी पावर माइनस 18। ESU जो का त्यों है, सेंटीमीटर जो का त्यों है। अब आपको इस बात का पता है कि 10 रेज टू दी पावर माइनस 18 ESU और सेंटीमीटर इन तीनों को हम क्या लिखते हैं, मिला के डिवाई। तो इसका मतलब हमारे पास म्यू एक्सपेक्टेड आया 4.416 डिवाई, ठीक है। फिर आप क्या करोगे बताओ, फिर आप फार्मूला लगाओगे। किसका फार्मूला लगाओगे, परसेंटेज आयनिक करेक्टर का। तो यहां से हम लगा देते हैं फार्मूला, परसेंटेज आयनिक करेक्टर इज इक्वल टू म्यू ऑब्जर्व अपॉन म्यू एक्सपेक्टेड मल्टीप्लाई बाई 100। ऑब्जर्व जो क्वेश्चन में दे रखा था 1.92 डिवाई था, एक्सपेक्टेड जो हमने निकाला कैलकुलेट करके 4.416 से मल्टीप्लाई 100। जब आप इसे भाग करोगे ना 1.92 को 4.416 से तो आपकी ये वैल्यू आएगी 0.43478 और 100 से इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये डेसिमल यहां चला जाएगा दो डिजिट आगे 43.478%। इतना आयनिक करेक्टर है इसमें 43.478%। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं डाइपोल मोमेंट के और परसेंटेज आयनिक करेक्टर के, ध्यान रखना, बिल्कुल जरूर आएगा ऐसा क्वेश्चन, पक्की बात है बिल्कुल, ठीक है। बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो, प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ना है, नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, आपको पता है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके बाय।